हाँ देखिए देखिए, ड्रग्स किसे बोलते हैं और ड्रग्स कब बोलेंगे और मेडिसिन कब होता है? अगर वो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट में, एक डेफिनेट अमाउंट में अगर वो बॉडी के अंदर ली जाती है तो क्या बोलते हैं उसको? मेडिसिन बोलते हैं। अगर वो डेफिनेट अमाउंट से ज्यादा लेने लगे हम तो वो क्या हो जाती है? ड्रग्स हो जाती है, चाहे कोई भी मेडिसिन हो। ग्लैकोडीन है, ठीक है, आप एक बार एक बोतल पी लो आराम से, इतना नशा होगा पूरे दिन घूमोगे। ये क्या है? ड्रग्स ही है। अब कुछ ड्रग्स अलग होती हैं जिसको हम सेडेटिव बोलते हैं, कुछ को ट्रैंक्विलाइजर्स बोलते हैं। सेडेटिव्स क्या होती हैं? नर्वस सिस्टम को आराम देती हैं, सुप्रेस कर दे। टेंगो चार्ली देखा है? देखिए टेंगो चार्ली, वो एक लड़के को गोली लग जाती है और उसमें वो इंजेक्शन लगाने के लिए जाते हैं। उस इंजेक्शन में क्या होता है? मॉर्फिन होता है, बोलते हैं ना मॉर्फिन का इंजेक्शन दे दो। अब मॉर्फिन क्या करेगा? पेन रिलीफ का काम करता है, नर्वस सिस्टम को सुप्रेस कर देता है। आपने सुना होगा बच्चे क्या खाते हैं? बच्चे सर पहले खाते थे, अब तो खैर नहीं सुना मैंने केसेस, अब तो नहीं सुने हैं कि ये, अरे क्या बोलते हैं, ब्रेड पे आइडेक्स लगा के खा लेते, ब्रेड पे आइडेक्स लगा के खा लेते, जो आइडेक्स आती थी दर्द के लिए। अब तो खैर वो ये क्या आती है, मूव वगैरह आती है, पहले एक आइडेक्स आती थी ब्लैक कलर की आती है, हाँ ग्रीन की पैकेजिंग में। अब वो क्या करती है, उनकी ब्रेन एफिशिएंसी बढ़ा देती है, नींद नहीं आने देती। कॉफी क्या है? कैफीन क्या करता है? आपकी बॉडी की एबिलिटी को बढ़ा देता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। चाय हैबिचुअल बना देती है, कोल्ड ड्रिंक कैफीन ही होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है, इसीलिए वो आप 2 4 5 दिन लगातार पियो चाय ये कोल्ड ड्रिंक, आपको नेक्स्ट दिन डे फिर से मन करेगा, हैबिचुअल बना देती है। ये क्या है? ड्रग्स ही है। इसीलिए इसी तरीके से हमें ड्रग्स भी हैबिचुअल बना देते हैं। आप एक दिन लो, 2 दिन लो, तीसरे दिन लो, अगले दिन फिर से बॉडी डिमांड करेगी। नहीं लोगे, विड्राल सिम्टम्स आ जाएंगे। विड्राल सिम्टम्स क्या है? उड़ता पंजाब देखिए, देखिए नहीं देखिए, वो लड़का पेट पकड़ के बैठ जाता है, पागल हो जाता है, भागने लगता है, ये क्या है? मर्डर कर देता है किसी का भी, विड्राल सिम्टम्स है। उसकी बॉडी इतनी इतनी जबरदस्त डिमांड करती है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। सर फिर यहाँ क्यों नहीं भेजते, क्या बोलते हैं इसको, एम्स में? नहीं, ये नशा छुड़वाने वाले क्या बोलते हैं इसको, रिहेबिलिटेशन सेंटर। इसमें क्या होता है सर, दवाइयां देते हैं या छूट जाता है अपने आप? कुछ नहीं होता है ऐसा, वही चीजें उनको इंजेक्शन के रूप में दी जाती हैं। वहम है कि भाई हमें कुछ दिया जा रहा है ऐसा कि जिसके कारण हम छोड़ रहे हैं, वही डोज कम करके इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। अब अगर कई बार आप देखोगे ना, एक इंसान अगर ड्रिंक करने के मामले में, ड्रिंक छोड़ने के लिए वहां जाता है तो दूसरा नशा लेके आता है वहां से, ड्रग्स का, जो सबसे खतरनाक है। रिहेबिलिटेशन सेंटर में ये होता है, इसलिए खुद की इच्छा से ही छोड़ सकता है कोई, वरना कोई धरती पे भगवान पैदा नहीं हुआ, आपकी बॉडी की डिजायर कोई दूसरा समझ लेगा। अब ये दिया जाता है, एक आती है ना क्विट स्मोकिंग निकोटेक्स, वो क्या है? निकोटीन ही है उसमें, बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसको चबाने के फॉर्म में दे दिया। अब आपको लगेगा यार जब भी मन करता है मैं इसको चबा लूं, जा तो वही अंदर रही है लेकिन अमाउंट कम है, हमें पागल बना दिया जाता है।
हम ब्रेन को पागल बना देते हैं। कान जब छोटे बच्चे होते हैं ठीक है, तो हमें कहा नहीं जाता है, क्या कहा जाता है, कांटा लग गया, कांटा निकलवाते हैं। मैं तो भाई गांव से हूं प्रॉपर, तो मुझे तो पता है, मेरी दादी भी कहती थी नीम की तरफ देख कांटा निकल जाएगा, दर्द नहीं होगा। क्यों कहा जाता है? उस तरफ नहीं देखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कुछ हो भी रहा है। वो डाइवर्ट करने के लिए, वही चीजें हैं आपको डाइवर्ट करने के लिए। फार्मास्यूटिकल कंपनी यही तो खेलती है आपके साथ कि ये क्विट करो, वो क्विट करो, क्विट कुछ भी नहीं करना, उसी फॉर्म में दूसरी फॉर्म में दे देते हैं। ये इलेक्ट्रिक सिगरेट क्यों बंद की गई है? इलेक्ट्रिक सिगरेट क्यों बंद की गई? ये बहुत जबरदस्त हैबिचुअल कर देती थी। क्यों भाई? लिक्विड क्या आता था? अरे निकोटीन आता था लिक्विड, ठीक है। अब वैसे पीते हैं तो वो कम अंदर जाता है, लेकिन वो लिक्विड के फॉर्म में बहुत ज्यादा अंदर जाता है, फ्यूम्स की फॉर्म में। अब जितना ज्यादा अंदर जाएगा उतनी ही बॉडी क्या करेगी, नेक्स्ट डे डिमांड करेगी। इसीलिए छोटे छोटे बच्चे भी आजकल आप देखोगे सिगरेट के चपेट में है। पहले तो शौक के तौर पे पीते थे कि ये इससे, या इसको थोड़ी कहेंगे हम कि ये स्मोकिंग है। इसीलिए वो रियल स्मोकिंग थी। आज के दिन तो अगर बोला जाए, आज के दिन लड़कियां ज्यादा स्मोकिंग करती हैं एज कंपेयर टू बॉयज। कहीं पे भी देख लो, गुड़गांव में शाम को बाहर निकल जाना, रोड पे दिखाई दे जाएगा। दो चार कंपनियां तो यहां से निकलोगे तभी बाहर है, जहां पे लड़के आराम से खड़े होंगे, लड़कियां एक बात बोलेंगे फिर सुट्टा लगाएंगे फिर अगली बात बोलेंगे। बात कर लेते हैं इसकी कि सर हमारे पास क्या नहीं लिखा हुआ। हमने क्या कहा था कि जो भी इसका यूएस में हुआ ये, ठीक है, 1961 में हुआ, 72 में इसको चेंज किया गया। अब इंडिया भी इसका सिग्नेटरी था। इंडिया ने क्या बनाया? कमीशन बना दिया। इंडिया ने क्या बना दिया? कमीशन बना दिया, कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स। लेकिन सर कहीं लिखा हुआ है हमारे अंदर, आर्टिकल 47 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल 47 के अंदर सर न्यूट्रिशन की बात की है। भाई आगे भी तो पढ़ो, उस न्यूट्रिशन से आगे बढ़ो, क्या है? हाँ, प्रिवेंशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस। कहाँ है यार, कहाँ गया? पढ़िए, सर आर्टिकल 47 तो न्यूट्रिशन की बात करता है। बेटा न्यूट्रिशन के अलावा थोड़ा सा आगे बढ़ो, क्या कह रहा है? प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। ये था अंबेडकर साहब का दिमाग कि उन्होंने 1962 में जब आया उससे पहले तो यहां पे लिख दिया कि भाई ड्रग्स से दूर रहो। उसके अलावा सर हमारे पास एक एक्ट था। कौन सा एक्ट था सर? उसके अलावा हमारे पास एक एक्ट था, ये वाला ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, जिसको 2019 में चेंज कर दिया गया था, अमेंड किया गया। क्यों किया गया? लाइसेंस देने के लिए, कंपनियों को लाइसेंस के प्रोवाइड करने के लिए। थोड़े से रूल्स में क्या किया गया? चेंजमेंट किया गया। उसके बाद दूसरा आया नार्कोटिक्स, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। नेक्स्ट क्या है? प्रिवेंटिंग इलिसिटिक ट्रैफिक इन द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1988। ये इंडिया के अंदर एक्ट, किसको प्रिवेंट करने के लिए? ड्रग्स को प्रिवेंट करने के लिए। भाई आप देखोगे कि
सिर्फ ड्रग्स की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, ह्यूमन, अगर मैं बात करूं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, ऑर्गन्स, ऑर्गन स्मगलिंग भी होती है ना, तो ये सब किसके लिए होती है? इसी के कारण होता है। अब देखिए, नार्कोटिक ब्यूरो बनाया गया, नार्कोटिक ब्यूरो बनाया गया इंडिया के अंदर। क्या आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बनाया? नार्कोटिक ब्यूरो बनाया, और नार्कोटिक ब्यूरो कंट्रोल करने के लिए बनाया। कब बनाया? 1986 में बनाया। ये ब्यूरो क्या करेगा? सुपरविजन करेगा, कंट्रोल करेगा ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू द एक्सरसाइज पावर द फंक्शन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द टेकिंग ऑफ मेजरमेंट विद द रेस्पेक्ट टू, किस किस के मेजरमेंट, सॉरी, किस किस के रिगार्डिंग काम करेगा? एनडीपीएस एक्ट, कस्टम्स एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड अदर लॉ, टाइम बीइंग फोर्स इन द कनेक्शन विद द एनफोर्समेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनडीपीएस एक्ट 1985। ये एनडीपीएस एक्ट क्या है? नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या कर सकता है भाई? कुछ भी कर सकता है, खुद ही किसी मामले में घुस सकता है। कैसे सर? ये आया था सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में, आया था ये बहुत सारे लोगों से। इवन दो ये जो आपकी क्या है यार, वो कॉमेडियन भारती सिंह और उसका हस्बैंड क्या नाम है उसका, हर्ष, उन दोनों से भी पूछताछ की गई थी ड्रग्स के मामले में। तो यही तो करने वाला था एनसीबी, आया नहीं? हाँ, भारती, दीपिका, ये सब आए थे, बिल्कुल। हाँ, मोस्टली सभी आए थे। तो वो क्यों आया था? दूसरा काम क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑब्लिगेशन। कौन सी ऑब्लिगेशन? इस लॉ के अंदर जो लिखी गई है। नेक्स्ट क्या है? असिस्टेंस टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी। कंसर्न्ड अथॉरिटी कौन होगा? सर पता नहीं कंसर्न्ड अथॉरिटी कौन होता है भाई? कंसर्न्ड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे भी है, वहीं सबके साथ मिलके काम करेगा ड्रग्स को प्रिवेंट करने के लिए। भाई इंडिया में आ रहा है, हमें पता है कहां से आ रहा है, उस कंट्री से आ रहा है, सिंगापुर से आ रहा है, जहां से भी आ रहा है, ठीक है, एक्स वाई जेड किसी भी कंट्री से आ रहा है, ठीक है, अफ्रीका से आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? उस कंट्री से कम्युनिकेट करेंगे उसको बंद करने के लिए कि भाई यहां से आ रहा है, हमें ये यहां से पता लगा है कि तुम्हारी कंट्री से ड्रग्स क्या है, उसको ट्रेस करेंगे कि कहां से आया। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन यानी कि डिफरेंट मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, हर एक का ये क्या कर सकता है? सहायता कर सकता है, उनकी सहायता ले सकता है इन द रिलीक्शन ऑफ ड्रग्स अब्यूज। क्लियर था ये हम क्या कर रहे थे भाई आपका? हाँ, नेशनल नार्कोटिक, सॉरी, कंट्रोल ब्यूरो। समझ आया? आया नहीं? ये नार्कोटिक कंट्रोल क्या आया? एनडीपीएस एक्ट आया 1985, कर लिया हमने, ये हो गया, ये देखा हमने ऊपर लिखा हुआ है, वही है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, इसको अमेंड किया गया है। अब ये पढ़िए, एनसीडी के क्या है ये? एनसीबी के, सॉरी, फंक्शंस हैं।
अरे एनसीबी के एक्ट अपने आप में फंक्शन बिना बोर्ड ही कैसे कर लेगा? अब समझ आया मैम? क्या नाम है आपका? मुस्कान। अरे अब दो मुस्कान हो गए, बोलना पड़ेगा पिंक और ग्रीन मुस्कान। बड़ी मुश्किल ठीक प्राउड फील कर रहे हो सीनियर हूँ। ठीक है अब समझ में आ रहा मुस्कान कि क्या चल रहा है? पहले नहीं समझ आया था ना? हाँ अभी तो समझ आया ना कि नेशनल ड्रग्स का क्या काम है, इसका एनसीबी का क्या काम है आपको? सर पक्का श्योर है ना? या दोबारा बताऊं? जहां नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लेना। अब आता है सुशांत सिंह राजपूत के जो केस था उसमें अगला कौन एंट्री मारेगा? वो रिया क्या रिया तो आ चुकी ना, रिया की तो बात हम कर चुके। अगला कौन एंट्री मारेगा? बात करेंगे। नहीं बात करेंगे ना, बात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहे हैं भाई। ईडी लेके आ चुके, एनसीबी लेके आ चुके, अब आएगी सीबीआई। अब मेरे ख्याल से सीबीआई हम पहले कर भी चुके हैं। हाँ जो क्लास में बैठे हैं उनके उनसे पूछूंगा भी अभी। ये दो तो नहीं थी, नहीं किया बेटा। मैं रोज बोलता हूँ कि लेक्चर रिवाइज करके आओ, लेक्चर रिवाइज करके आओ। फिर अरे तो पीपीटी तो बुआ सारी मिल गई होंगी। मुझे मैसेज किया था यहाँ आके बैठो और यहाँ आके मांगो, तब नहीं दो तो नहीं मिलती। संगीता, संगीता मैम से ले लेना। हाँ अब बात करते हैं किसकी? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सर बना कहाँ से है? ये दिल्ली स्पेशल एक्ट से बना है। मैंने बताया था इसका ओरिजिन की बात हम नहीं करेंगे, ओरिजिन पहले कर चुके हैं। ठीक है ओरिजिन की बात हम कर चुके हैं पहले। ये 1946 क्या है, सीबीआई 1963 क्या है, ये मैं इसमें नहीं जाऊंगा। अब आते हैं यहां पे। हाँ ये है आपके पास ऑलरेडी है, वही डाले हुए हैं, वही स्लाइड है, आगे भी वही स्लाइड है, एक दो स्लाइड नहीं डाले हैं इसमें। हो गया अब इस लड़के की फोटो देख लेते हैं। फोटो नहीं दिखाऊं क्यों? बात करते हैं इसकी क्या है। देखिए इसका मर्डर हुआ, मर्डर होने के बाद मुंबई पुलिस ने इस चीज को इग्नोर किया। ठीक है मुंबई पुलिस मतलब एक सेक्शन होता है, अगर आप मान लो उस सेक्शन के अंडर सेक्शन 174 होता है। ठीक है उसमें एक्विसिट डेथ का, मान लो कोई सुसाइड है या कुछ भी है उसको एक्विसिट डेथ डिक्लेयर करके क्या करती है? सुसाइड केस बता के बंद कर देती है। या फिर अगर उसको कुछ क्या हो कि ऐसा लगे कि भाई इस केस में कुछ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, ठीक है
उसको थोड़ा बहुत डाउट हो तो वो क्या कर सकती है, फर्दर एक्सटेंड कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो मुंबई पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। मुंबई पुलिस क्या कर रही थी, अपने आप सारी चीजों को दबा रही थी। इस केस को, मर्डर केस को वो क्या कर रही थी, सुसाइड का केस बना के दबाने की कोशिश कर रही थी। तो उसी टाइम उसके जो फादर थे, फादर साहब ने क्या किया, बिहार पटना के रहने वाले हैं, ठीक है, बिहार पुलिस को क्या किया, FIR दर्ज करवाई बिहार पुलिस में। अब बिहार पुलिस कहाँ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कहती है कि यहाँ पे किसको लाया जाए, CBI को लाया जाए। क्यों सर, CBI के लिए? हाँ क्यों कहा, क्योंकि भाई बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस आने नहीं दे रही थी। अब पावर में दोनों बराबर हैं, बिहार पुलिस भी बराबर है किसके, मुंबई पुलिस के, उसके एरिया में उसकी चलती है, उसके एरिया में उसकी चलती है। इसीलिए दोनों बराबर हो गए थे, इसीलिए किसको आना पड़ा, CBI को आना पड़ा। पुलिस खुद ही किसके पास गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के, होम मिनिस्ट्री के पास गई कि CBI के हैंडल कर दिया जाए, ये केस हैंड ओवर कर दिया जाए। इसीलिए CBI क्या आती है, मुंबई पुलिस से केस ले लेती है और CBI क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है इस केस का। अब CBI को केस क्या आप लोग भी रेफर कर सकते हैं, आपके केस में आ जाएगी CBI। मैंने क्या बताया था, सिर्फ 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी CBI आएगी। क्या कंडीशन, बस गई भैंस पाने में, सर मैंने क्लास नहीं ली। अब ऐसा कोई होगा जिसने क्लास ली थी, या मैं अकेला ही पढ़ा के चला गया था? या तो गवर्नमेंट बोले, या फिर कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बोले या हाई कोर्ट बोले, हाई कोर्ट कैसे भाई, आपको लग रहा है कि मान लो कोई एक्स केस है आपका, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं कर रही, आप जाओ केस करो, ठीक है, और क्या बोलो हाई कोर्ट को, बोलो कि हाई कोर्ट साहब ये मेरा केस जो है आप कहां कर दो, CBI के हवाले कर दो। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, ये केस किसके हवाले किया जा सकता है, CBI के हवाले किया जा सकता है। समझ ला के ना, देखिए जो अभी बात बोली वही लिखी, अब ये वही है कि भाई स्पेशल पुलिस, जो दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट था उसके अंदर बना है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ठीक है, बाकी ये सारी बातें हमने पहले कर ही ली थी। 1946-76 में चेंज हुआ है, उसके बाद ये देखते हैं, ये देखने की चीज है। पहले इंदिरा जी के टाइम में क्या था, हमें नहीं पता था, इंडिया इज इंदिरा, पहले ये था। मैंने क्या बात है, सही जोड़ा है, इंडिया इज इंदिरा, सही है। तो पहले ये चलता था, ठीक है, इंदिरा के टाइम में, मतलब किसी भी मामले में कहीं पे भी। अब क्या होता था, CBI घुस जाती थी, इतनी पावर थी, जैसे ED घुस जाती है, पता लगना चाहिए कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग है, घुस जाएगी। ऐसे ही पहले CBI था, लेकिन जब इंदिरा का हैप्पी बर्थडे हुआ तो उसके हैप्पी बर्थडे के बाद इसके जो रूल्स थे, जनरल कंसेंट था, उसको भी हैप्पी बर्थडे कर दिया गया। अब अगर आपको स्टेट में घुसना है तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। पढ़िए क्या लिखा है,
कहाँ गया? क्या लिखा है? विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट के बिना इंक्वायरी नहीं करने आ सकते आप। एजेंसी तो सेंटर की है, ठीक है सर, ऊपर की दो एजेंसी में भी तो फेडरलिज्म आता है, बात आ जाती किसकी? फेडरलिज्म की। सर फेडरलिज्म क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो सर? हमारे पास तो फेडरलिज्म है ना बेटा, फेडरलिज्म है, पर कौन सा है? क्वासी फेडरलिज्म है विद यूनिटरी टिल्ट। इसीलिए सेंटर की एजेंसी हमेशा क्या करेगी? डोमिनेट करेगी। सेंटर जैसे चाहे आपको उंगलियों पे नचा सकता है, लेकिन यहाँ पे ट्रू फेडरलिज्म देखने को मिल रहा है कि एजेंसी तो सेंटर की है, दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट से बनी है, लेकिन स्टेट की भी परमिशन लेनी पड़ेगी आने से पहले। समझ ला के ना? ओके ग्रेट, समझ आ रहा है ना? आया नहीं? ये इसी केस को क्यों लिया सर मैंने? इसी केस को इसलिए लिया क्योंकि इसमें सारी एजेंसी आ गई थी। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है इंटरपोल क्या था, इंटरपोल क्यों बोला जाता है इसको। सर सीबीआई के साथ किया था, याद आया? नहीं सर नहीं याद आया। हाँ पूरी कंट्रीज के पोल खोलने वाला क्या है? इंटरपोल है सर, ऐसा था। कितनी जल्दी जोर लगा के बोला है इंटरपोल। इसकी बाद में करते हैं, एक सेकंड। एनआईए करना था हमें, ये तो इंटरपोल तो आई थिंक सो हो गया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सारा खेल इसी का है भाई, गुड गवर्नेंस के लिए ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। अरे यार फूटी हुई है और है कितनी? 103 बताइए, खत्म करनी है और टाइम हो गया 8:22। हाँ नहीं अभी खत्म करेंगे, आज ही खत्म करेंगे, पूरी नहीं सब्जी भी। एनआईए एनआईए क्या है? हमारा आर्टिकल 355 है। 355 आर्टिकल क्या कहता है कि ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट इंडिया, ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट इंडिया। तो उसके लिए हमने क्या बनाया सर? एनआईए बनाया। सर एनआईए क्यों बनाया और वो भी इतनी लेट बनाया? कब बनाया सर? आजाद हुए तो बहुत सारे दिन हो गए थे, लेकिन 2008 में क्यों बनाया? 2008 में इसीलिए बनाया इंडिया में इसी चीज की कमी थी, एनआईए की, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। कौन कहां से आ रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता था किसी को भी, इसीलिए इस चीज का फायदा उठाया। और टेररिस्ट ने क्या किया? होटल ताज किसने बनाया था? बात की थी मैंने, किसने बनाया था? कौन से टाटा ने? जमशेद टाटा ने। ये उस टाइम का बहुत बहुत महंगा और बहुत सुंदर दिखने वाला, भाई उसने बहुत कुछ बनवाया है, उसने बहुत कुछ बनवाया है, ठीक है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी बनवाए हैं उसने उस टाइम में, मिल्स भी बनवाई हैं, शुगर मिल्स इंडिया में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का सबसे पहला अगर इन्वेस्ट किया था तो इसी ने किया था। वैसे तो ब्रिटिशर्स ने किया था,
साउथ इंडिया में कोई छोटा सा स्टेट था जहां पे मतलब सबसे पहले इंडिया में वहीं पे सड़कें बनी थी उसी एरिया के अंदर। इस हमले के बाद क्या एस्टेब्लिश हुआ? हमारा एनआईए एस्टेब्लिश हुआ। एनआईए कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एनआईए एक्ट 2008 आफ्टर मैथ ऑफ द मुंबई टेरर अटैक इन 2008। देर आर 649 एम्प्लॉय इन द एजेंसी एंड दिस एजेंसी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब ये पूछ लिया जाएगा भाई कौन सी किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है एनआईए। अब फिर ढूंढते रहना वॉशिंग पाउडर निर्मा है ना। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट इज द सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। ठीक है, अब इसी को ऑप्शन में दे देगा ये इतना बड़ा नाम। और इसी के साथ ये ऊपर क्वेश्चन में दे दिया और पूछ लेगा इनसे रिलेटेड कौन सी ईडी है सीबीआई है। ठीक है, एक ऑप्शन में ये डाल देगा एनआईए है और चौथे में कुछ और डाल देगा और फिर ढूंढते रहना सर कौन सा ऑप्शन था मैं तो ये लगा के आया हूँ सीबीआई है ना। क्योंकि सर इन्वेस्टिगेशन तो यही करती है और हमने भी क्या देखा टेररिज्म लो सेंट्रल काउंटर इतने बड़े भारी भरकम वर्ड देख लिए तो हमने फेल दिया। हाँ तो सब में इतना इतना ज्ञान नहीं होता ना मेरे जितना। सब मेरे जैसे होते हैं जो घुटने को 5 बार टैप करते हैं फिर जाके एक बार क्वेश्चन के एक ऑप्शन को पढ़ते हैं वो समझ में आया तो ठीक है नहीं तो क्वेश्चन ही छोड़ दिया। चलिए देखिए पास्ट इयर्स में इंडिया के ऊपर बहुत सारे क्या हुए हैं अटैक्स हुए हैं और उन अटैक्स की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या किया गया है ये बनाई गई है। अब ये जो ब्लू लाइन जिसके अंडर अंडरलाइन की गई है ब्लू लाइन वो चीज देखिए टेररिस्ट अटैक नॉट ओनली इन द मिलिट्री एंड द इंसर्जेंसी अफेक्ट द एरियाज एंड एरिया अफेक्टेड बाय द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ये क्या है जिहाद जो जम्मू कश्मीर में चल रहा था है नहीं था। ठीक है, वो लेफ्ट विंग ही तो है आइडियोलॉजी उनकी डिफरेंट है आइडियोलॉजी डिफरेंट हो गई तो वो क्या हो गई लेफ्ट विंग हो गई। हाँ या नहीं लेफ्ट विंग राइट विंग की पार्लियामेंट के टाइम पे मैंने बात की थी अगर याद आया हो। हाँ वो डायग्राम भी याद आ गया होगा। हाँ ये तो चीजें याद आ जाएंगी चलो कुछ तो याद है। But also in the form of terrorist attack and bomb blast etc in the various parts of the hinterland and major cities etc a large number of such incidents are found to have the complex interstate and international linkage interstate and international linkage and possible connection with the other activities like the smuggling of arms and drugs punishing in and circulation of the fake Indian currency pushing in matlab counterfeiting filtration from the across the border infiltration matlab ghus jana jaise terrorist aate hain India mein generally keeping all these in the view it was felt that there was a need for setting up an agency at the center level for the investigation of the offense। सीधी सी बात है भाई क्या सीधी सी बात है सीधी सी बात यह है आपका आंसर हो गया ये इंट्रोडक्शन हो गया अगर क्वेश्चन आता है।
कि एनआईए की जरूरत क्यों पड़ी, आया नहीं। चले आगे, बंद करना है। वहां ठंड नहीं लगती, यहां सबसे ज्यादा लगती है। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका? कॉमर्स। समझ आ रहा है? पक्का? थोड़ा थोड़ा, अभी भी थोड़ा थोड़ा। अरे एनआईए क्यों बना है, एनसीबी क्यों बना? गवर्नमेंट में इंटरेस्ट नहीं है बेटा, गवर्नमेंट के ही पार्ट बनने जा रहे हो, प्रमोशन होके पीएमओ ऑफिस में भी काम करने को मिल सकता है। अब वहां पे भी पॉलिसी ही बनानी है, वहां पे बैठ के बादाम नहीं खाने। या ये नहीं है कि मम्मी आज एक काम करो, एक किलो वो ले देना, क्या बोलते हैं, ऊन ले देना, आज स्वेटर बुन के लेके आऊंगे। वो टीचर वाला काम बंद हो गया सरकारी स्कूल का, कि कोई काम नहीं है, बच्चों को बोल दिया बेटा बैठो आराम से। ये एक्ट है जिसमें क्या किया गया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई थी। एनआईए कब एस्टेब्लिश हुआ, देखिए कितना फास्ट एस्टेब्लिश किया है। और पहले एआरसी में बोल दिया गया अभी था कि हमें एक ऐसी नेशनल लेवल की एजेंसी की जरूरत है। 26/11 को हुआ था, एक महीने के अंदर बना भी दिया गवर्नमेंट ने। ये पढ़िया, ये कौन से किस चीज के साथ डील करेगी, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट है उसके अंदर जो जो भी ऑफेंस दिए हुए हैं उनके अंदर, ना कि पुलिस एक्ट के अंदर जाएगी। क्लियर है? आ जाइए, इसके लिए किसकी जरूरत पड़ी, इसके लिए भी हमने क्या बनाया सर, इसके लिए भी हमने क्या बना दिया, स्पेशल कोड। क्यों बना दिया स्पेशल कोड, क्यों बना दिया? जल्दी चीजें पूरी हो, वो जो केस चला हुआ है ज्यादा पेंडेंसी ना दिखाए, वो भी क्या हो जाए, जल्दी पूरा हो जाए, इसीलिए हमने स्पेशल कोड बना दिया। इसके लिए भी इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ये ब्रांच है कहाँ कहाँ, थ्रू आउट द कंट्री है। ये ऐसा ही एनआईए का जैसा ही क्या है, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट 1999, मुंबई पुलिस का एक्ट है। क्यों कह, क्यों नहीं कर सकता, सेंट्रल एजेंसी है ना, और ऑलवेज प्रिवेल करेगा किसके ऊपर, स्टेट एजेंसी के ऊपर। मतलब स्पेशल एक्ट है मुंबई के पास, अगर हम बात करें तो, और किसी स्टेट के पास नहीं। ये ऐसा ही क्या है, ऐसा ही है कैसा सर, जैसा हम पढ़ रहे हैं, कौन सा एनआईए, ऐसा ही एंटी हाईजैकिंग एक्ट है 1982, आर्म्स एक्ट है 1959, उसके बाद एक और है
ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोल रहा है ये क्या? देखिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। अब सर नीचे कुछ लिखा हुआ है, फेक आईडी, फास्ट स्ट्राइक होटल सीज द बैक केस एविडेंस, एनआईए क्लेम्स टू हैज नो मुंबई कॉप वेज, ये क्या है? टेरर ऑर्गेनाइजेशन। ये इनलिस्ट करती है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिया गया है इंडिया के अंदर। ये सारे क्या है? लश्करे तैयबा। ये सारी क्या है? ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। किसके अकॉर्डिंग? एनआईए के अकॉर्डिंग। अब इनका कोई मेंबर दिखा तो ये क्या करेगी? धर देगी। आज की सभा अब बात करते हैं ये, ठीक है? अब मैं पानी पी के आता हूं तब। दो मिनट में ही मिलते हैं, मैं बस पानी पी के आ रहा हूं। कुछ समझ लगी या नहीं? हाँ, आज सुशांत सिंह राजपूत देख लिया। क्यों लड़ रहे हो भाई? मंगलसूत्र पहन लेते हैं। हाँ, तो फेज के नाम का। हाँ, ऑन भी है वैसे, ऑन है। चलिए, हाँ मंत्र तो बोलने पड़ेंगे ना, अभी मंगलसूत्र पहन के ही बोलूंगा। पंडित होने का ये तो फायदा है ना, कि मंगलसूत्र भी खुद ही पहन लिया, खर्चा बच गया। फेज वालों से ही खर्चा मांगेंगे। आने दो शशांक सर को, पर वो अपने आप पहन के खड़े रहते हैं, किससे खर्चा मांगे। देखिए, अब हम बात करेंगे कुछ एग्जीक्यूटिव बॉडीज की। कौन सी एग्जीक्यूटिव बॉडीज की? एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी। सर क्या बोल गए इतनी जल्दी जल्दी? फिर से बोल रहा हूं, समझ आया? मैं इनसे बोल रहा हूं, ठीक है? शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, सुना है? सुना है? पक्का? ऐसे क्या होता है? एसटी क्या होता है?
आपकी आपके आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? ओबीसी। ओबीसी क्या है? क्यों इतने बड़े हो गए? पता तो होना चाहिए ना बेटा कि ओबीसी क्या है। अरे ये तो हमें भी पता है कि ओबीसी ओबीसी कैसे डिफाइन करोगे? डेफिनेशन ऑफ ओबीसी कि क्यों बोला गया है अदर बैकवर्ड क्लास हमें, जबकि एससी एसटी को अलग बोला गया है, कुछ और ही बोला गया है, क्यों ऐसा क्यों है? बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। क्वेश्चन ये है आर्टिकल 15 क्लॉज 4 बताओगे, 16 क्लॉज 4 बताओगे, ठीक है, उसके अलावा आप बताओगे आर्टिकल 46। हाँ क्या? हाँ मुझे भी पता है वो जुडिशियल में करवाया था, आज कुछ और करेंगे। ओके मुझे भी पता है कि मैं दोबारा करवा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो चीजें आर्टिकल 335 338, ये आर्टिकल मुझे बता दो, उसके बाद 340 342। सर हम कर चुके ना, मैंने तो बोला ही नहीं सर, इसने बोला था, ये कोमल है ना, कोमल उधर हाथ कर देगी, मुस्कान है ना सर, अब मुस्कान इधर हाथ कर देगी, सर ये सी क्या है, इसको मैं कुछ कहूंगा नहीं क्योंकि ये पहलवान है, मुझे बता है पंचिंग बैग बना देगी मेरा भाई, पढ़ चुके हैं हम ये एक कमीशन में भाई, इसमें किसकी बात कर रहे हैं 15 में। हाँ 342 डिफाइन करता है लिस्ट ऑफ एसटी एरियाज बाय प्रेसिडेंट। 340 क्या कहता है? प्रेसिडेंट किसी भी एरिया को नॉमिनेट कर सकता है कैज एज ए एसटी। कहाँ लिखा है? हाँ उसके अलावा और कौन बच गया? मैं ही बच गया। और 335 एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, ठीक है, उसके बाद सर 46 किसकी बात करेगा? सर डीपीएसपी की बात करेगा, डीपीएसपी में तो है ही ना, तुम बताओ आर्टिकल 46 क्या कहता है? एक सेकेंड। हाँ हाँ ये कुछ नहीं 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 सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है। अब ये सारी चीजें बेटा पहले हो चुकी थी हमारी, ठीक है, इसीलिए आपको पॉलिटी का लेक्चर देखना होगा। पॉलिटी का लेक्चर कौन सा सर? फंडामेंटल राइट्स का और डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है पुत्र, ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब इन सब प्रोविजंस में हम किसकी बात करते हैं? एसटी एससी की बात करते हैं, ठीक है। अपना जो जो कॉन्स्टिट्यूशन का सपना पूरा करने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा? 338 लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन का सपना पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा
क्या लिखा? 33 P38। क्या लिखा सर? क्या बोल रहे हो सर? किसका सपना? सपना चौधरी तो सुने है ना, सुना है ना? नहीं सुना आपने? सपना चौधरी सुना है ना? हाँ, तो ये वो सपना पूरा नहीं कर रहा, सपना चौधरी वाला। ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है डॉक्टर अंबेडकर साहब की, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या कहा था कि एसटी एससी के जो लोग हैं ना उनको क्या दिया जाए, सोशल अपलिफ्टमेंट किया जाए, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए, उनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाए जो क्या करे, उनके अधिकारों की रक्षा करे। हाँ या नहीं? ये क्या था, ये स्पेशल ऑफिसर क्यों लेके आया गया? ये क्या था? डेमोक्रेटिक मैंडेट था। किसका? इस बोर्ड का। डेमोक्रेटिक मैंडेट क्या होता है? वी इज बेटर देन आई, मैंने पहले भी बोला है। हाँ या नहीं? बोला है ना, शायद सुना होगा। ओ बापू के चार मंदिरों, नहीं भी बोला होगा तो भी हाँ बोलोगे, याद नहीं है कहाँ बोला था बताइए। जी याद नहीं है, चलिए यहाँ आ जाइए। 338 आर्टिकल 338 क्या कहता है? आर्टिकल 338, देयर शैल बी स्पेशल ऑफिसर फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कि अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। कौन किसको अपॉइंट करेगा? एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करेगा। किसके लिए? एससी एसटी के लिए, ठीक है। ये ले लीजिए, क्या देखिए दूसरा क्लॉज, देखिए दूसरा क्लॉज, देखिए सेकंड क्लॉज क्या कहता है इसका। ड्यूटी ऑफ स्पेशल ऑफिसर, पहले में क्या कह रहा है, स्टेट की ड्यूटी है किसको लगाना? स्पेशल ऑफिसर को लगाना। दूसरे में स्पेशल ऑफिसर की ड्यूटी बोल रहे हैं क्या करना, इन्वेस्टिगेट करना, किससे रिलेटेड मैटर, सेफगार्ड टू द एससी और एसटी। उसके बाद क्या कह रहा है, रिपोर्ट करेगा, किसको रिपोर्ट करेगा, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगा। किसके लिए? जो भी वो बातें बता रहा है, जो भी मैटर है, कंसर्न मैटर कहाँ रिपोर्ट करेगा, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट उसको कहाँ लेके जाएगा, पार्लियामेंट के अंदर। ऐसा नहीं है कि खुद ही हल्ला मचाने लग गया कि मुझे मिल गया और कहाँ भाग गया, पार्लियामेंट में जोश जोश में। पहले कहाँ जाएगा? पापा के पास जाएगा। और पापा जब बोलेंगे तब कहाँ जाएगा, पार्लियामेंट में। तो पापा के साथ कहां जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा। थर्ड क्लोज देखते हैं, थर्ड क्लोज में क्या कहता है, एक ऐसा ही बनाया जाए किसके लिए, ये भी किसके, किसको देगा, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देगा। कौन से आर्टिकल के अंडर? 340A ऐड होगा, आर्टिकल 340 स्पेसिफिक एंग्लो इंडियंस के साथ। यानी कि ये क्या हो गया आपका, इसके साथ एक और चीज आ गई। क्या आ गई? एक और चीज सर, स्पेशल ऑफिसर फॉर एससी, फॉर एसटी, फॉर बीसी बैकवर्ड क्लास, और फिर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एंग्लो इंडियंस की बात कर रहा है। इन चार लोगों के लिए हमने क्या किया, स्पेशल ऑफिसर का प्रोविजन डाला हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर? अब देखिए मेरी बात सुनिए, कि सीधी सी बात है, अब स्पेशल ऑफिसर की बात कर ली। स्पेशल ऑफिसर की बात की तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट एक्ट लेके आई और क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने बना दिया, क्या बना दिया सर, गवर्नमेंट को जो बनाना था वो बना दिया, क्या बना दिया, नेशनल कमीशन फॉर एसटी एससी बना दिया, ठीक है, हो गया काम गवर्नमेंट का। अब सीधी सी बात है भाई,
हमें क्या चाहिए, इसमें भी हमें क्या चाहिए, हाँ स्पेसिफिकेशन। दो अलग अलग इंसान है तो एक इंसान उनका काम कैसे कर सकता है, हाँ या नहीं? दो अलग अलग चीजें हैं तो एक इंसान कैसे कर सकता है। अब ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी उस टाइम, मैं था, पैदा हो चुका था उस टाइम, चाहे मैं झूला झूल रहा हूं, लेकिन मैं गवर्नमेंट के पास पहुंच गया। मैं कहा तुम एक बात बताओ, दो इंसान एक इंसान का काम कैसे कर सकते हैं, ओवरलैपिंग फंक्शन नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम क्या बना रहे हैं, स्पेसिफिक या स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट कर रहे हैं। ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, एक तो ओवरलैप नहीं करना चाहिए, दूसरा स्पेसिफिक जो ऑफिसर बना रहे हैं वो अलग अलग होना चाहिए। दोनों का काम क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि एससी एसटी भी दोनों अलग अलग हैं। अब अलग अलग हैं तो हमने क्या किया, इनको दोनों को एक एसटी का बना दिया और एक एसटी का बना दिया। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट फिर से रिलैक्स हो गई। लेकिन सर इस टाइम में आपको याद होगा ये 19 19 कब आया था, 19 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था ये, और ये कब आया होगा, लगभग 1978 78, हाँ 1978 में आया था ये, 1978 में आया था। तो इसी के पास आसपास आपको याद होगा, अगर मैं बात करूं मंडल कमीशन आया था, हाँ या नहीं, मंडल कमीशन आया था, तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी। अब इंदिरा सानी केस था, याद है इंदिरा सानी केस, जजमेंट आया था। इंदिरा सानी में क्या कहा था कि भाई आप ठीक है, मंडल कमीशन ने ओबीसी तो बता दिया था, ओबीसी तो बता दिया था, क्या बताया, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, जिसका इकोनॉमिक एजुकेशनल डेवलपमेंट ना हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, ओबीसी बोलेंगे। लेकिन इंदिरा सानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसके लिए भी स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाए, क्या कौन सा ऑफिसर, एनसीबीसी बनाया जाए। लेकिन क्या पहले एनसीबीसी बना था, एनसीबीसी नहीं बना, कब बना है सर, एनसीबीसी हाँ 18 के आसपास बना है, 2000 ये बना है, हाँ ये बना है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 102 में, और 102 कब हुआ था, 2019 कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी 18 में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 2018 में हुआ था। तो 2018 में हमने क्या बना दिया, एनसीबीसी बना दिया, क्लियर हुआ। अब इसमें सर कहाँ कहाँ बनाइए, पहले तो हमने क्या किया, 338 आर्टिकल था हमारे पास, ठीक है 338 के अंदर हम एनसीबीसी दोनों को एक साथ लेके चल रहे थे। अब एनसीबीसी ए आया, एनसीबीसी ए आया तो हम क्या बना दिया, ये एससी और एसटी दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। अब क्या आएगा, 338 बी आया, 338 बी में हमने क्या बना दिया, एनसीबीसी बना दिया, क्लियर है, क्लियर, ठीक है। अब सर ये मल्टी मेंबर था, ये मल्टी मेंबर का मतलब अलग अलग 6 पर्सन और उसके अलावा और भी मेंबर होंगे। अब ये हम नहीं देखेंगे कि 6 पर्सन कौन होगा, ये कौन होगा, वो कौन होगा, हमें सिर्फ जो काम की चीजें हैं, क्योंकि ये पहले देख चुके हम सारी चीजें। अब 338 में क्या बोल रहे हैं, 338 में क्या बोल रहे हैं कि सेफ गार्ड के लिए, किसके लिए, सेफ गार्ड के लिए, ठीक है। दो तीन चीजें मैं यहाँ पे राउंड करूंगा, वो देख लेना एक बार। पहला हाँ? ठीक है भाई, ये तो दिखेगा,
इसमें दिक्कत है क्या? लो भाई जो तुम्हें पसंद, हम तो वही कर लेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। बीकर को अगर जार कहो जार कहेंगे। क्या लिखा है? सर कुछ बात की जा रही है, किसकी? एडिशनल फंक्शन की बात की जा रही है कि एडिशनल फंक्शन दे दिया गया एनसीएसटी दोनों का, मतलब एससी और एसटी दोनों के फंक्शन एक ही आदमी कर रहा है, स्टार्टिंग एडिशनल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो फंक्शंस की ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्या कह रहा है देखिए, मल्टी मेंबर्स की बात कर रहा है। अब ये ऑफिस बनेगा किसके अंडर बनेगा? 338 के अंदर बनेगा, ठीक है। अब आ जाइए, सेवेंटी एट में क्या किया गया? फिर से चेंज कर दिया गया, कमीशन फॉर एससी एसटी वाज रीनेम्ड एज द नेशनल कमीशन। पहले सिर्फ क्या था? कमीशन था, मल्टी मेंबर बॉडी थी, नेशनल कमीशन नहीं बना था, नेशनलाइज इसको स्टेटस नहीं मिला था। पहले सिर्फ हमने बना के छोड़ दिया था, स्टेट्यूटरी एक्ट नहीं बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं डाला था। कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो इसी से रिलेटेड है। टेस्ट आ गया भाई आपका। हाँ तो मेरे पास तो पहले आएगा ना। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत पुराना डॉक्यूमेंट है। हाँ? कुछ मैंने बनाया है, कुछ मैम ने। हाँ क्या हुआ? पहले 50 क्वेश्चन मैंने बनाए, लास्ट के मैम ने बनाए, क्योंकि मैं खुद आपकी ये 100 स्लाइड तैयार करने के चक्कर में सुबह 3:30 बजे सोया हूँ, बल्कि 4 ही बज गए होंगे, टाइम तो मैंने देखा नहीं, और फिर 4:30-5 के करीब मैं यहाँ पहुंच चुका था। क्या क्यों सोना था? चाय पी के थोड़ी देर इंस्टाग्राम चलाया, थोड़ी देर फेसबुक चलाई, टाइम बर्बाद किया और आ गया। मेरा फोन चेक होता है, पर टाइम टू टाइम होता है, मैं खुद ही हटा देता हूँ। जब इनसे बोर हो जाता हूँ, दिमाग खराब होने लगता है तो हटा देता हूँ, क्योंकि दिन में कभी टाइम ही नहीं लगता कि इनको देखो। रात को 3 बजे भी रिपोर्टिंग करनी होती है किस विकास सर। सोने से पहले रोज रिपोर्टिंग। अब ये देखिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब केम इनटू बीइंग कॉन्सिक्वेंट अपॉन द पासिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990। मैंने क्या कहा था? 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इनको क्या किया गया था? ये बनाया गया था एससी एसटी अलग अलग किया गया था, ठीक है। अब ये क्या करेगा? 2003 में कुछ और एड करेगा। हाँ ये देखिए, NCST, there shall be the commission for the scheduled caste and scheduled tribe, known as the National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe, दोनों का एक ही। अब क्या हुआ सर? अब अगला फिर से चेंज हुआ। कौन सा हुआ? 89th constitutional amendment हुआ। कब हुआ? 2003 में हुआ। 2003 में क्या किया गया? 2003 में क्या किया गया? फिर से चेंज किया गया। क्या किया गया? अलग अलग कमिश्नरीज बनाई गई है इनके, नेशनल कमीशन का दोनों को स्टेटस दे दिया गया, एनसीएसटी बन गया और एनसीएससी बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद कुछ नहीं हुआ।
उसके बाद कुछ नहीं हुआ, ये एक्ट अमेंडमेंट एक्ट आया और चेंज हो गया। अब ये देखिए, क्या कह रहा है, दोनों के अलग अलग डेफिनेशन दे रहा है। 338 के अंदर लेके आया और 338 ए किसके लिए हुआ, नेशनल ट्राइब्स के लिए। अब ये सर नेशनल ट्राइब्स क्या थी, नेशनल ट्राइब्स की डेफिनेशन देखते हैं कहां पे। अरे यार, नेशनल ट्राइब की डेफिनेशन थी, पहले तो ये देखिए, ये याद है सारे जो मैं बोल रहा था, वही चीजें हैं कि 15 क्लॉज 4 ए, उसके बाद 17 की बात करेंगे, अबोलिस ऑफ अनटचेबिलिटी, 46 की बात की हमने, 335 की बात की हमने, 330 332 340 और 342 की बात की, ये याद होंगे मेरे ख्याल से सारे ऑलमोस्ट। अब आ जाइए, एनसीएससी है क्या, ये था पहले देख चुके थे हम, ठीक है। उसके बाद यहां आ जाइए, यहां आ जाइए, सारी चीज को छोड़ के यहां आ जाइए, क्योंकि ये क्या है, आपके कीवर्ड्स हैं। पीसीआर एक्ट कौन सा है, पीसीआर एक्ट पीसीआर एक्ट भाई बता चुका पिछली बार किया था इसी में, पीसीआर एक्ट, और नहीं बताओगे तो सच में तुम्हें उल्टा लटकाया जाएगा, तुम्हें तुम्हारे पड़ोसी की कसम है। अब चंचल देख ले कोमल का क्या होगा, अगर इसको कुछ हो गया तो इसके घर वाले तेरे से मांगेंगे कि मेरी लड़की की झूठी कसम खा गई, और झूठी कसम खाने के बाद में क्या हो गया, इसका हैप्पी बर्थडे हो गया। ये पीसीआर एक्ट 1955, अरे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, दूसरा क्या है सर पता नहीं, पेशा एक्ट में बात की थी, SC ST POA, POA क्या है भाई, हाँ अरे सही है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, सही है, तो खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, सही बोल रही है। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन इन द STSC जस्टिस, ठीक है। अभी इन सभी के ऊपर क्या कौन काम करेगा, आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट काम करेगा, पेशा एक्ट पढ़ा था 1996 का, करवाया था मैंने। अब ये पेशा एक्ट सर क्या है, कौन से पेशे की बात कर रहे हो, हमारा कोई पेशा नहीं है, हमारा पेशा एक ही है, खाना पीना और सो जाना, दूसरी बात बोलोगे हमें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। किसी के पैसे से हमें कोई लेना देना नहीं है, है ना। पैसा एक्ट वैसे है क्या बताओगे, पैसा का पूरा नाम क्या है, बिल्कुल पढ़ा था, अरे सर नहीं पढ़ा हमने, क्यों पढ़ने के लिए तो आते ही नहीं ना हम यहाँ पे, सुशांत सिंह राजपूत की फोटो देखने के लिए आए थे आज, तो बस आपने दिखा दी, दिन अच्छा हो गया। ऐसा ही दिन करना है तो एक काम करिए, फोटो प्रिंट करवाइए, भगवान के पास लगा लीजिए, सुबह उठते ही भगवान के पास भी क्यों, अपने बेड के पैरों की साइड लगा लीजिए, वो सिर पे तो ऐसे करना पड़ेगा ना, दीवार पे सामने लगा लीजिए बड़ी सी फोटो, पूरी दीवार पे
आजकल तो पेंट वो आता है, फ्लक्स भी बन जाता है, पूरा बना के चिपका लो, ठीक है, सुबह शाम दिन रात वही वही दिखेगा। स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर की हम बात नहीं करेंगे, वही क्या होगा, चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा, थ्री अदर मेंबर होंगे, और अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। अब इसके फंक्शंस क्या है? फंक्शन मॉनिटरिंग एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल इश्यूज, सब सारे इश्यूज देखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा? कंप्लेंट जो भी आई है उसकी इंक्वायरी करेगा। क्या करेगा? एडवाइजरी बॉडी है गवर्नमेंट को, जो भी इंप्रूवमेंट करना होगा, जो भी बातें होंगी वो सारी किसको बताएगा? अपने पापा को बताएगा। पापा कहाँ ले जाएगा? पार्लियामेंट में। जी पापा जी। उसके बाद पापा के पास जा रहा है, रिकमेंडेशन आई, रिकमेंडेशन मानी, ठीक है, नहीं मानी, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अब आ जाते हैं 338, सर ऊपर पड़ा है, वही है, सिर्फ फर्क कितना है, वहां वैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका एक्ट की स्क्रीनशॉट है ये। अब आ जाइए, वही है, हाँ सॉरी, इसके पास किसकी पावर है? सिविल कोर्ट की पावर है। सिविल कोर्ट की पावर है तो मतलब क्या कर सकता है? इन्वेस्टिगेट कर सकता है, सबूत मंगवा सकता है, किसी को भी पेश कर सकता है, पेश होने के लिए बुला सकता है, ऑर्डर दे सकता है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए, अंडर आर्टिकल 338 के शेड्यूल कास्ट, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बना, एससी एनसीएसटी, ये एनसीएसटी है, ठीक है सर, एनसीएसटी भी बन गया। एनसीएसटी कब बना? 338 ए, कब? 2003, अभी देखा हमने, क्लियर है। अरे ये तो आ चुका भाई, ये सारी चीजें पढ़ चुके हम, जो पढ़ानी है वो मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूं, मैं भूल रहा हूं उस चीज को, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, क्या क्या होगा? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब वाज सेट अप विद द इफेक्ट ऑफ 19 फरवरी 2004, अंडर द अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 338 ए, इंट्रोड्यूस किया गया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 338 ए क्या है? इंटर अलिया प्रोवाइड्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट एनुअली एट द सच अदर टाइम्स एज द कमीशन मे डीम्ड फिट। कभी भी किसी भी टाइम प्रेसिडेंट को क्या कर सकता है? रिपोर्ट दे सकता है, किसके लिए? फॉर द सेफ गार्ड एंड अवेलेबिलिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो भी डेवलपमेंट है किसके लिए? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। अब ये शेड्यूल ट्राइब क्या है उसकी बात बाद में करेंगे। इसका एक चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा। भाई सीधी सी बात है, जो अभी हमने देखा, अभी हमने देखा, एक एग्जाम्पल दूं, ठीक है, मैं अभी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहा था, टीवी सर्च कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा, सर आप एक टीवी खरीदिए, उसके साथ हम दो टीवी आपको फ्री देंगे। समझ आया? हाँ, आप एक टीवी खरीदिए, एक के दाम दीजिए, हम आपको दो फ्री देंगे। और दो फ्री भी कैसे देंगे? हम आपको पहले जो आप टीवी लेंगे वो देंगे, ठीक है, उसके साथ एक और देंगे, और थोड़े टाइम बाद हम एक और दे देंगे। समझ आया ऑफर? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया तो हम, मैं अभी समझा देता हूं। पहले क्या बना? एनसीएसटी बना। अब जो एनसीएसटी है उसी में सिर्फ एक वर्ड रिप्लेस कर दीजिए, अब ये इसके साथ फ्री मिल गया, ठीक है, थोड़े टाइम बाद क्या बन गया? समझ ला के ना, सारी चीजें वही है, सारी के सारी वही है, सेम है। जब स्टेटस सेम है तो भाई चीजें भी सेम होगी, पर भाई एक चीज सेम नहीं है। क्या सेम नहीं है? क्या सेम नहीं है बताओ, पहले एक बार क्या सेम नहीं है? ड्यूटीज एंड फंक्शन हो गया। अरे रे रे रे, ये पढ़ी है, ये पढ़ी है। मैं आपको ज्ञानी देखता हूं, कितने ज्ञानी हैं? आपका ज्ञान आज प्रदर्शित कीजिए।
इस डेफिनेशन को मैंने खुद 10 बार पढ़ा है, 10 से ज्यादा बार ही पढ़ा होगा, तब जाके समझ आई कि क्या बोलना चाह रहा है सर। कहां शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब ही बोल रहे हैं बार 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 बार। हाँ आपको आ गया, बताइए बताइए बताइए। जी मेरे पास ये दोनों, वाह क्या डेफिनेशन दी, ये नहीं लिखा हुआ, फिर से पढ़िए। हाँ ये नहीं लिखा हुआ, मैं कह रहा हूं ना, मुझे आपका ज्ञान प्रदर्शित करिए। हाँ आपने पढ़ा हुआ है, बताइए आपकी तो मतलब ग्रेजुएशन तो हो चुकी ना, क्वालिटी थी और हाँ तो बताइए। हाँ जो वो उसके अंदर लिखे गए, हाँ ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये लिखा गया है ऐसी ट्राइब्स, जिन ट्राइब्स को हम ट्राइबल एरियाज मानते हैं और ट्राइबल एक्ट के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, वो जो भी आएगी उसका पार्ट हो या कहीं पे भी कोई भी हो, उसको हम शेड्यूल ट्राइब बोलेंगे। गुड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कोई नहीं है इसका, प्रेसिडेंट के पास पावर है किसी भी एरिया को शेड्यूल ट्राइब एरिया बना सकता है, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है डेफिनेशन, कोई डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है हमारे पास, लेकिन इस प्रोविजन में ये कहा गया है अगर किसी एरिया शेड्यूल ट्राइब एरिया है, मान लो शेड्यूल ट्राइब हम उसे कहेंगे, किसी भी एरिया को अगर हम इस प्रोविजन के अंदर, ट्राइबल प्रोविजन के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड प्रोविजन के अंदर डाल देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया बोलेंगे। सिंपल सा वर्ड है, हाँ सिंपल है, इतना सिंपल है तो फिर बताया क्यों नहीं। हाँ सिंपल नहीं लिखा, अच्छा मुझे लिखना था आगे सिंपल, ठीक है, ऐसी लगभग इंडिया के पास, ठीक है। अब मुझे नहीं पता भाई कौन से स्टेट में कौन सी ट्राइब है क्या है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बताया था 342 के अंदर मैंने लिस्ट बना दी, प्रेसिडेंट को पावर दे दी कि भाई आप जिस भी एरिया को अपने अकॉर्डिंग क्या करें, चेंज करना चाहें, जैसा भी जिसको जो स्टेटस देना चाहें स्टेटस दे सकते हैं, लेकिन 342 में उसको इंक्लूड कर देंगे। लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज 62 कहां पाई जाती हैं, ओडिशा के अंदर, इसके अंदर नो एसटी, हमारे हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, दिल्ली के अंदर, पौंडीचेरी के अंदर कोई भी एसटी नहीं, क्या है हमारे यहाँ पे, ठीक है समझ लगे ना। आगे चलते, आज तो गजब हो गया भाई, 103 पे पहुंचने वाले हैं। देखिए ये देखिए, पहले लोकुर कमेटी, लोकुर कमेटी क्या कहती है कि लोकुर कमेटी ने डिफाइन किया कि ऐसे एरिया को या ऐसे फाइव क्राइटेरिया दिए एसटी को डिफाइन करने के लिए, क्या, प्रिमिटिव ट्राइब, डिस्टिंक्ट कल्चर, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, साइनेस टू द कॉन्टेक्ट ऑफ द कम्युनिटी एट लार्ज एंड बैकवर्डनेस, ये 5 एरिया दिए, किसने दिए, लोकुर कमेटी ने। उसके बाद कौन आया, भूरिया कमीशन, भूरिया कमीशन ने क्या कहा,
क्या नाम है आपका? अभी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, एसटी एससी के पास कहाँ होती है? भूरिया कमीशन ने क्या कहा था कि फोकस ऑन द वाइड रेंज ऑफ द इश्यूज ऑफ द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द ट्राइबल एरियाज, द फॉरेस्ट, हेल्थ, एजुकेशन एंड वर्किंग पंचायत एंड द ट्राइबल वुमेन्स, ये फोकस एरिया होने चाहिए। अब इसको छोड़ देते हैं। फिफ्थ शेड्यूल क्या कह रहा है? फिफ्थ शेड्यूल क्या कह रहा है? हाँ, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करेगा, शेड्यूल ट्राइब एरिया की बात करेगा। ये वही है 338 प्रोविजन, उसके बारे में बताया है कि क्या है। उसके बाद एनसीबीसी की बात करते हैं। ये एनसीबीसी में एक बहुत प्यारी चीज आई है, सामने क्या आई है इसको लिख लो, इसको लिख लो, लिखने वाली चीज है ये। क्या? देर इज इक्वालिटी ओनली अमंग्स द इक्वल्स टू द इक्वेट, अनइक्वल्स इज टू प्रपेचुएट इनइक्वालिटीज। अगर आता है तो भाई सीधी सी बात है, इसका रेफरेंस देके ये कूट लिख सकते हो, इक्वालिटीज और अनइक्वालिटीज की जहां पे बात हो। क्लियर? हाँ या नहीं? अब एनसीबीसी में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं, एनसीबीसी भी ये सारा देख लिया था हमने, मंडल कमीशन और ये सारी रिपोर्ट वगैरह देख ली थी। एनसीबीसी की जरूरत क्यों पड़ी? ये पड़ी है, ये पढ़ने का है बस, जो हमने बात बताई। गवर्नमेंट हेड क्रिएटेड ए कमीशन, पहले कमीशन के क्रिएट किया किसके लिए, ये पूरी हिस्ट्री गाएगा। कहां से कमीशन एक्ट क्रिएट किया किसके लिए? एससी एसटी और एससी दोनों के लिए। कौन से रेजोल्यूशन से? 1987 रेजोल्यूशन से। उसके बाद उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया किससे? 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। पहले क्या था? रेजोल्यूशन पास हुआ था, गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन पास करके एग्जीक्यूट